बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 26 होगा। चैप्टर नंबर 3 है और टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अ सेक्शन ऑफ होलोस्फीयर। होलो का मतलब है बिल्कुल खाली, यानी एक आपके पास स्फीयर है गोल और वो बिल्कुल अंदर से खाली है। जिस तरह फुटबॉल आपने देखा होगा कि बिल्कुल गोल होता है और जिसके अंदर से बिल्कुल खाली होता है, उसी तरह का एक स्फीयर लेना है विद इनर एंड आउटर। इनर जहाँ भी जिसकी आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होगी। किस लिए पॉलिश्ड होगी? इसके लाइट को टू रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। इसका स्फेरिकल मिरर, तो ऐसे मिरर को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। यानी एक आपके पास मिरर है बिल्कुल गोल है, उसकी अंदर वाली जो अंदर से वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल होलोस्फीयर है। उसकी बाहर वाली या फिर अंदर वाली सतह जो है वो पॉलिश होती है। पॉलिश किस लिए होती है? ताकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो सके। तो ऐसे मिरर को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जैसे फर्स्ट आपके पास ये एक पूरा स्फीयर है, ठीक है। अब स्फीयर का अंदर से भी बिल्कुल होलो है, खाली है। तो हम अगर इसका सिर्फ इतना सा पोर्शन ले लें या उतना पोर्शन ले लें तो उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और इसकी अंदर वाली या इसकी फिर बाहर वाली सतह जो है वो पॉलिश भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है लाइट, तो उसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं स्फेरिकल मिरर की। एक होती है कन्वेक्स कनकेव मिरर और दूसरी होती है कन्वेक्स मिरर। कनकेव, कनकेव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, कनकेव, कनकेव मतलब गोल, गोल की जैसे, जैसे गोल होती है अंदर की तरफ वो बनी होती है, झुकी हुई होती है, उस तरह ये जो लेंस है या मिरर है ये भी अंदर की तरफ जो है वो झुका हुआ होता है। जैसे फिगर में देखें, यहाँ से ये लेंस कितना हमने पोर्शन दिया होलोस्फीयर का, अब यहाँ से ये अंदर की तरफ झुका हुआ है, यहाँ से ये कर्व बना हुआ है। तो इसके जो अंदर वाली सतह है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और बाहर वाली जो सतह है वो पॉलिश होती है। किसी भी आपने सिल्वर की से इसको पॉलिश किया होता है ऊपर से लेड आपने की कोटिंग की हो जाती है, ताकि सिल्वर का एयर के में या ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन ना हो सके, तो इसलिए इसको बाहर से डबल कोटिंग की हो जाती है और अंदर से जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब कंकेव मिरर में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कंकेव सरफेस। कि जो लाइट की रिफ्लेक्शन है, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके आती है, वो अंदर वाली साइड से करके आती है। यहाँ से लाइट बीम्स आ रही हैं अंदर की तरफ, फिर यहाँ से टकरा के यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये बीम आ रही है, ये भी अंदर वाली सतह से टकरा के, तो सारी की सारी रिफ्लेक्शन जो है वो इनर कर्व सरफेस यानी अंदर वाली जो कर्व बनी होती है सतह, वहाँ से रिफ्लेक्शन होती है। कन्वर्ज पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट एट अ सिंगल पॉइंट, यानी जितनी भी पैरेलल बीम्स आ रही होती है, रोशनी की शुआएं या रेज आ रही होती है, उसको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज करने से मतलब इकट्ठा करती है एक पॉइंट के ऊपर। ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। यानी या इसको कंकेव मिरर कह रहे हैं या कन्वर्जिंग मिरर कह रहे हैं। यहाँ से जैसे देखें, ये एक रे बीम ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से टकरा के ये रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ से दूसरी रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे जब टकराती है, टकराने के बाद यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे आ जाती है। फिर यहाँ से ये सारी रेज आप देखेंगे, जितनी भी रेज है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट के पे आके इकट्ठी हो गई है। तो जिस पॉइंट पे इकट्ठी हो गई है उस पॉइंट को कन्वर्जिंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो सारी की सारी रेज एक सिंगल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है? इनर शाइनिंग सरफेस ऑफ स्पून, चम्मच की अंदर वाली सतह। आपने देखा होगा चम्मच को एक सतह बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, दूसरी अंदर से कर्व बना होता है, अंदर से झुकी हुई होती है। तो उस सतह को जो अंदर की तरफ होती है, कर्व होती है, उसको हम कह सकते हैं कि ये कंकेव मिरर की तरह है। आप देखते हैं ये सारी की सारी रे, ये रे इधर आके मिल रही है, ये इधर आके, तो जिस पॉइंट पे ये आके रेस मिलती है उसको फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है, ठीक है। और फोकस और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ भी कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है?
कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कन्वेक्स सरफेस, कि लाइट की रिफ्लेक्शन जो है वो कन्वेक्स सरफेस से होती है, यानी बादल वाली सतह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है आउटर कर्व सरफेस। बाहर ये जो कर्व बनी होती है, अगर हम इसका इतना क्वेश्चन दें तो ये वाला जो कर्व है आपको नजर आ रही है, इसका ये वाला जो पोर्शन है बाहर वाला उसको आउटर कर्व सरफेस कहते हैं। अंदर वाली सतह इसकी पॉलिश्ड होती है और बाहर वाली सतह से रिफ्लेक्शन होती है, यानी यहाँ से बीम आती है टकराने के बाद यहाँ से मुड़ जाती है, यहाँ से बीम आती है टकरा के मुड़ जाती है, तो बाहर वाली सतह से रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। डाइवर्स पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, डाइवर्स का मतलब होता है फैल जाना। तो ये क्या करती हैं, जितनी भी बीम्स ऑफ लाइट होती हैं, लाइट की रोशनी की शुआएं होती हैं, वो सारी की सारी एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं होती जैसा कि कंकेव में होता है, ये फैल जाती हैं आगे पीछे जो है वो फैल जाती हैं। आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, यानी यहाँ से ये लाइट आई, यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट आ रही है वो इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आके टकरा के इस तरफ मुड़ जाती है, ये इस तरफ मुड़ जाती है, तो सारी की सारी जो रेज हैं वो एक पॉइंट पे इकट्ठा होने की बजाय आगे पीछे फैल जाती हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, बैक साइड ऑफ शाइनिंग स्पून, जो शाइनिंग आपके पास एक स्पून है उसके अंदर वाली सतह को तो कंकेव कहते हैं, तो उसकी बैक साइड होती है, बाहर वाली सतह जो ऊपरी हुई होती है ऊपर की तरफ होती है, उसको कन्वेक्स मिरर की एग्जाम्पल जो है वो लिया जा सकता है, कि कन्वेक्स मिरर भी ऐसे ही उभरा होता है बाहर की तरफ। अगर हम यहाँ से देखें तो ये अगर क्वेश्चन दे तो ये वाला कन्वेक्स मिरर होगा, ये अंदर से जो अंदर वाली सतह होगी वो कंकेव मिरर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है किसी चीज का सेंटर है, तो सेंटर ये किसका, सेंटर ऑफ होलोस्फीयर, ये होलोस्फीयर का जो बिल्कुल सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये आपके पास एक फुल पोर्शन है सर्कल में, ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है ये पॉइंट होलोस्फीयर का, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, उसको सी से भी नोट किया जाता है, सी डिनोटेड बाय कैपिटल सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड, इसका सेंटर ऑफ कंकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, लेकिन कन्वेक्स मिरर का बाहर की तरफ होता है, जैसे ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे, ठीक है, बाहर की तरफ, इस अंदर की तरफ का नहीं होगा, बिहाइंड इसके पीछे होगा, यानी जहाँ पे मिरर जो है वो आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ होलोस्फीयर ऑफ मिरर इज अपार्ट, कह रहा है रेडियस ऑफ होलोस्फीयर, यानी होलोस्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके किसी भी पार्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर यहाँ से यहाँ तक लें तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी सेंटर से यहाँ तक भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है होलोस्फीयर का उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय आर, हम इसको किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल आर से। पोल क्या है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये वाला आपके पास मिरर है और इस मिरर का जो मिड पॉइंट है वो तो होलोस्फीयर का था ना सेंटर, इसका जो सेंटर है इसका जो मिड पॉइंट है इस मिरर का उसको कहते हैं पोल। जैसे ये पूरा एक हमारे पास मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट है ये दरमियान वाला पॉइंट है उसको पोल बोलेंगे, और इसको डिनोटेड बाय पी, इसको पी से जाहिर किया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सीधी लाइन जो गुजर रही होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे एक ये सीधी लाइन है ये गुजर रही है इस सेंटर से भी और इस पोल से भी, और इस सेंटर वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे अगर इस लाइन की बात करें तो ये लाइन कहाँ, ये पोल है ना, तो इस पोल से गुजर के आ रही है यहाँ से, ये सेंटर से भी गुजर के जा रही है पोल तक, तो इस लाइन को हम बोलेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अक्सर क्या है, स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो छोटा सा पोर्शन है तो एक्सपोज लाइट, जो लाइट को एक्सपोज करता है, तो डिस्टेंस एक्सट्रीम पॉइंट से लेके उस एक्सपोज पोर्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जो फासला होगा उसको बढ़ सकता ही है। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, लाइट कन्वर्ज एट अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन,
यानी रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। जैसे इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ से इस तरफ जा रहा है, लेकिन अगर हम बैक साइड से देखें तो हम ये कह लेते हैं कि बस इस पॉइंट पे सारी की सारी लाइट रेस जो है वो इकट्ठी हो रही है। तो जिस पॉइंट पे आप इकट्ठी हो जाती है सारी की सारी लाइट उसको फोकस पॉइंट कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। इसको कैपिटल एफ से जाहिर किया जाता है। आगे है फोकल एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये डिस्टेंस होता है, फासला होता है पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान। यानी अगर हम ये लाइन लेते हैं ना प्रिंसिपल, ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है, ये हमारे पास पोल है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जो फासला होगा, वो हमारा क्या रहेगा? फोकल एंड। यानी इस फोकस पॉइंट जिस पे लाइन आके मिल रही है ये वाला और यहाँ से ये वाला, ये जितना ये फासला बन रहा है, डिस्टेंस बन रहा है, उसको फोकल लेंथ कहा जाएगा। ये डिनोटेड बाय स्मॉल एफ और इसको स्मॉल एफ से जाहिर किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर के हमने कुछ क्वेश्चन, कुछ पार्ट्स आपको बता दिए कि उसका सेंटर कौन सा होता है, रेडियस कौन सा होता है, पोल क्या कहलाता, कौन सा होता है, पल्सर और प्रिंसिपल एक्स, ये सारे पॉइंट जो है वो उसके आज हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।